जब तरी हका सामान तेरी शिरडी में आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में, आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में, तेरी शिरडी में आए जितने परेशान तेरी शिरडी में, काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी में। कौन कौन साईं का दीवाना है, महामाई का दोनों हाथ ऊपर। देखिए मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, फनकार तब तक नहीं गाता अगर सुनकार अच्छे ना हो। याद रखिएगा, फनकार महंगे से महंगा बुला लो, लेकिन अगर सुनकार अच्छे हैं तो फनकार खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। जो सुनकार बैठे दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसे अपने मुकद्दर की कसम, दोनों हाथ ऊपर। के दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी, दीवाना तेरा शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। नजराना दिल कलाया, नजराना दिल कलाया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल कलाया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में। नजराना दिल कलाया, नजराना दिल कलाया बाबा तेरी शिरडी में, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना रे दीवाना, मैं दीवाना रे दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, बोल बोल बोलना, बोलना वे बोलना वे बोलना मुझे बोलना, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में। मेरा हाल गम है सुनाने के काबिल, सुनो ना सुनो मैं सुना कर रहूंगी, यही ठान ली है
के शिरडी के साईं मैं तुमको भी अपना बना कर रहूंगी, मिटा दूंगी खुद को मैं चरणों में तेरे, तेरे दर से बिगड़ी बना कर रहूंगी। मिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी, मिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी। बहुत दूर से आया हूँ मैं, बहुत दूर से आया हूँ मैं, झोली खाली लाया हूँ मैं, खाली लाया हूँ मैं। बाबा मेरी बिनती सुन लो, बाबा मेरी बिनती सुन लो, मैं हूँ तेरे दर का भिखारी, तेरे दर का भिखारी। तू है साईं मैं हूँ पुजारी, साईं मैं हूँ पुजारी, तेरे जैसा कौन धनी है, तेरे जैसा कौन धनी है, तेरे दर पे नहीं कमी है, तेरे दर पे नहीं कमी है, तेरे दर की करूं चाकरी, तेरे दर की करूं चाकरी, सबसे अच्छी मेरी नौकरी, सबसे अच्छी मेरी नौकरी, हर दम तेरे पास रहूंगी, हर दम तेरे पास रहूंगी, बन के तेरी दास रहूंगी, बन के तेरी दास रहूंगी, अपने बाल की बना कर झाड़ू, बाल की बना कर झाड़ू, आंगन तेरा साफ करूंगी, आंगन तेरा साफ करूंगी, दुनिया मुझको ताने मारे, दुनिया मुझको ताने मारे, मैं बैठी हूँ तेरे सहारे, मैं बैठी हूँ तेरे सहारे, आंख से गंगा जमुना बहती, आंख से गंगा जमुना बहती, तेरे सिवा ना किसी से कहती, तेरे सिवा ना किसी से कहती, साईं मेरे भाग जगा दे, साईं मेरे भाग जगा दे, मुझको भी शिरडी में बुला ले, मुझको भी शिरडी में बुला ले, मुझ में कोई दोनों हाथ आए हैं, मुझ में कोई बात नहीं है, मुझ में कोई बात नहीं है, तुझसे अलग मेरी जात नहीं है, अलग मेरी जात नहीं है, मुझको दुनिया पागल बोले, मुझको दुनिया पागल बोले, जा साईं का तू भी हो ले, जा साईं का तू भी हो ले, जो पागल पागल कहते हो उस साईं का मैं हूँ दीवाना, पागल पागल कहते हो उस साईं का मैं हूँ, मैं दीवाना वो पागल पागल कहते हो उस साईं का मैं हूँ दीवाना। अरे तुम भी पागल हो जाओ एक बार जरा शिरडी जाना, अरे मिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी, मिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी। झोली में खाली लाया बाबा तेरी शिरडी में, बाबा तेरी शिरडी में, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, ओ मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, संगीत का कोई मजहब नहीं है, संगीत खुद बहुत बड़ा मजहब है, आए है कि नहीं बाबा जी। सारा सारा दिन साईं धुन पे अपना गुजारा यारा, सारा
सारा दिन साई गुने बिगड़ी बन जाती है दुनिया दिए शीश झुका दिए साईं तेरे चरणों में बिगड़ी बन जाती है और कर खा के तेरा ये भंडारा खा तेरा ये भंडारा खा के तेरा ये भंडारा दिल में निहारा मेरा साईं से यारा सारा सारा दिन साईं गुने गुजारा हा वो राम कृष्ण विष्णु या हो शेर वाली मैया वो राम कृष्ण विष्णु या हो शेर वाली मैया वो राम कृष्ण विष्णु या हो शेर वाली मैया वो राम कृष्ण विष्णु या हो शेर वाली मैया मुझे तू ही नजर आया मुझे तू ही नजर आया बाबा तेरी शिरडी में तू ही नजर आया बाबा तेरी शिरडी में मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया मंजर देखे हंसी मैंने यूं तो हजार मंजर देखे हंसी मैंने बिंदरा देखा काशी देखा देखे मैंने चारों धाम देखे मैंने चारों धाम देखे मैंने चारों धाम जब से मैंने शिरडी देखा आया है मन को आराम मंजर देखे हंसी मैंने यूं तो हजार मंजर देखे हंसी मैंने दिल ने सुकून पाया दिल ने सुकून पाया। मैंने इतने प्रोग्राम किए लेकिन आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा मुझे, दोनों हाथों पे करेंगे। दिल ने सुकून पाया बाबा तेरी श्रीडी में दोनों हाथों पर दिल ने सुकून पाया। आप किसी से डर रहे हैं क्या? डर लग रहा है? हैं? इबादत करने आए तो हाथों पर करें, पूजा करने आए तो हाय हाय। दिल ने सुकून पाया हम दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया हाय हो गया रे मैं दीवाना हो गया दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया शिरडी को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं शिरडी को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं शिरडी को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं शिरडी को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं सब कुछ तो यहीं पाया सब कुछ तो यहीं पाया बाबा तेरी शिरडी में मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया हम दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया। जो लोग शिरडी गए हैं हाथ पकड़े हैं, जो नहीं गए जरा वो हाथ पकड़े हैं। हाँ जी, मेरे कहने से नहीं अपने मन से जाइएगा शिरडी में। आप जब भी जाएं उन पांच घरों में जरूर जाएं जहां बाबा आज भी भिक्षान मांगते हैं। लोग कहते हैं
साईं जी कहते थे, राम जी कहते थे, वो थे में नहीं आते, वो है में आते हैं, हम थे में आते हैं, क्योंकि थे से मायने बदल जाते हैं। भगवान और गुरु कभी जाता नहीं, वो सिर्फ पर्दा करता है, और जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर करेंगे। हाँ जी, जितने भी लोग यहां बैठे हिंदू मुसलमान दोनों हाथों पर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दोनों हाथों पर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साईनाथ के बारे में जो लोगों की सोच है वो क्या है। आज भी लोग पढ़ लगे पड़े हैं बाबा कौन है क्या है। बाबा के बारे में मत जानो, बाबा की बातों के बारे में जानो, क्योंकि अगर बाबा के बारे में जानोगे तो खुद से अनजान हो जाओगे। बोल साईनाथ महाराज की। इन चक्करों में ना पड़ना। यार की यारी देखी जाती है, यार के ऐब नहीं देखे जाते। तो या तो यार का हो जाए या यार को अपना बना ले। अगर यार को अपना नहीं बना सकता तो यार का हो जाए, यार खुद ब खुद तेरा हो जाएगा। और जो इस बात को मानता है दोनों हाथों बताली के साथ, 1 2 3 ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, 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 जो इनको लड़ाता है वो इंसान बुरा है, परिंदों में कभी फिरका परस्ती तक नहीं होती, परिंदों में कभी फिरका परस्ती तक नहीं होती, परिंदों में कभी फिरका परस्ती तक नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे, देखो मैं दीवाना हो गया रे मैं। महाराज जी बैठे हैं, बाबा जी आज भी शिरडी में बाबा भिक्षान मांगने जाते हैं, न जाने किस रूप में। और जब भी बाबा भिक्षान मांगने जाते हैं 5 घरों में शिरडी में आज भी वो घर मौजूद हैं, तो बाबा ये नहीं कहते आटा दे दे दाल दे दे, बाबा कहते हैं तू मुझे देगा वो तुझे देगा, और बाबा कहते हैं जो तू मुझे देता है उससे मैं भंडारा बनाता हूँ, तेरा दिया ही तुझे खिलाता हूँ। तू मुझे क्या देगा, तेरा ही दिया मैं तुझे खिलाता हूं। और जो इस बात को मानता है दोनों हाथों बताली के साथ, रेडी 1 2 3 शिरडी को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, शिरडी को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, हाथ में कासा ताली के साथ ना हाथ पर दिए तुम्हारे घरों के जगमगाने वाले हैं, दिए तुम्हारे घरों के सब जगमगाने वाले हैं, और महामाई के दरबार में साईं आने वाले हैं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, मैं दीवाना हो गया अरे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया अरे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया अरे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया अरे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया अरे मैं दीवाना हो गया। शिरडी को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, 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 सब कुछ तो यही पाया मेरे बाबा, सब कुछ तो यही पाया बाबा तेरी शिरडी में, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, हाथ में कासा, हाथ में कासा, हाय हाय, हाथ में कासा, हाथ में कासा, कासा कहते हैं कटोरे को, के हाथ में कासा फटा लिबासा घर घर मांगे भीख, घर मांगे भीख, घर घर मांगे भीख, अरे हाथ में कासा फटा लिबासा घर घर मांगे भीख, घर घर मांगे भीख, घर घर मांगे भीख। चलो इधर खड़े हैं वो भी हाथ पकड़े हैं, क्या बात है, हाय हाय। अक्सर
मौलाना पंडित में बहस होती है। मौलाना कहता मैं बड़ा, पंडित कहता मैं बड़ा। वहां पर एक शराबी भी था खड़ा, एक पीने वाला भी था खड़ा। कह लेगा तू भी बड़ा, तू भी बड़ा। कह ले तू तो गुनाहगार है इसलिए तू पीछे खड़ा। उसने कहा अल्लाह भगवान सिर्फ तेरा है मेरा नहीं है। उसने कहा अल्लाह भगवान सिर्फ तेरा है मेरा नहीं है। कह ले तू तो शराब पीता है तेरा कैसे हो जाएगा। कह ले ये दावा तू नहीं कर सकता, ये दावा वो कर सकता है जो मालिक है, तू खुद उसका सेवादार है। दोनों में बहस होगा। कह ले सबसे आगे हम जाएंगे, बाबा का जब स्नान होगा सबसे आगे हम जाएंगे क्योंकि हम पुजारी हैं, हम जाएंगे क्योंकि हम नमाजी हैं। शराबी कहने लगा मैं कहां जाऊंगा। कहले आज मैं देखना चाहता हूं बाबा इनको भी बुलाते हैं या मुझे भी बुलाते हैं। कहले बाबा आज मैं कसम खाता हूं अगर तूने मुझे बुला लिया और इनको हटा दिया तो मैं कसम खाता हूं जिंदगी में शराब पीना छोड़ दूंगा। बोल साईनाथ महाराज की चैलेंज के साथ। बाबा ने कहा अच्छा चल आज तुझे भी करिश्मा दिखाते हैं। तो मौलाना पंडित धक्का देके आगे जाने लगे। धक्का लगते 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 जो धक्का दे रहे थे बाबा ने ऐसा धक्का लगाया, धक्का लगते 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 पीछे हो गए। जो शराबी सबसे पीछे खड़ा था धक्का लगते 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 सबसे आगे पहुंच गया। जब बाबा का स्नान हुआ तो इतनी मोटी बूंद उसके माथे पे आई, बहने लगी। जब होंठों तक आई उसने अपनी जबान निकाली, वो पी गए। क्या करा उसने, जबान निकाली और पी गया। जैसे उसने पिया तो बाबा से कहा कि तेरी मर्जी है तू जितनी भी मयस्सर कर दे। बाबा तेरी मर्जी है तू जितनी भी मयस्सर कर दे, लेकिन इतनी तो हो साईं जो गला दर कर दे। वो नमाजी हो पुजारी हो कोई शर्त नहीं, तू जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। और जो इस बात को मानता है दोनों हाथ बदारी के साथ रेडी 1 2 3 जो महामाई को मानते हैं हाथ पकड़े हैं, महामाई माता रानी को। मेरा यह मानना है कि माता को मानना बड़ी बात नहीं है, माता रानी की मानना बड़ी बात है। अक्सर लोग कहते हैं मैं माता रानी को मानता हूं। अगर तू माता रानी को नहीं मानेगा उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माता रानी तेरी नहीं मानेगी तुझे बहुत फर्क पड़ेगा। आज मैं आगे देख ले मैं मानता हूं एहसान नहीं कर रहा। और जो माता रानी को अल्लाह को भगवान को मानते हैं वो सुन ले। अगर जो लोग औरत की हत्या करते हैं, भाई 2 मिनट बैठ जाएं जनाब, 2 मिनट बैठ, 2 मिनट सर नजर कर रहा हूं आपकी शेर। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और इस कलयुग में लकड़ी के मकानों में बम पटाखे न रखिए, इसके सिवा तो पड़ोसी भी आंख बुझाने नहीं आते। जितने भी लोग यहां बैठे हैं माता रानी को मानना बड़ी बात नहीं है, माता रानी की मानना बड़ी बात है। जो औरत को कत्ल करते हैं, जो ग्रहण हत्या करते हैं और जो कहते हैं औरत नस्ल नहीं चढ़ाती, अरे नादान है वो लोग, वो लोग नादान है जो कहते हैं औलत नस्ल नहीं चलाती, नस्ल बेटा चलाता है। बेवकूफ है तू, सुन ले अब। अरे बेटा तो एक नस्ल चलाता है तेरे घर की, बेटी तो जिस घर जाती है उसकी नस्ल बढ़ाती है। जब तक माँ बाप के घर में रहती है माँ बाप के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब किसी और समाज में जाती है उसके नाम से जानी जाती है। तो बता कितना बड़ा मकाम हुआ औरत का। जो औरत को कत्ल करते हैं उनको कंजे के बिठाने का भी हक नहीं है,
जो औरत को कत्ल करते हैं उन्हें नमाज पढ़ाने का भी हक नहीं है। अगर ये औरत नहीं रहेगी तो राखी किससे बनवाएगा? अगर ये औरत नहीं रहेगी विदाई किसकी गाएगा? अगर ये औरत नहीं रहेगी तो दुआएं किससे मंगवाएगा? अगर ये औरत नहीं रहेगी तो गर्लफ्रेंड किसको बनाएगा? अपने भाई को। बड़ा अंग्रेज बन गया है। यो हनी सिंह, तेरे घर अखबार नहीं आता? ये यो वो सब यही रह जाएगा। तेरी करनी तेरे साथ जाएगी। और जो इस बात को मानता है तो हाथ उबार। रेडी वन टू थ्री। मैं मां के दरबार में बैठा हूं। अगर मेरे नाम से किसी को इतराज है तो होने दो। तू मेरा स्टेज छीन सकता है, मेरा नसीब नहीं छीन सकता। तू मेरा स्टेज छीन सकता है, नसीब नहीं छीन सकता है। रे नादान, इंसान तो बाद में पैदा होता है, उससे पहले उसका मुकद्दर पैदा हो जाता है। पढ़ के देख ले। और जो इस बात को मानता है तो हाथ बाजारी के साथ 1 2 3। बाहर से जब मैं आ रहा था तो बाहर एक दरगाह भी बनी हुई है, चिश्ती दरगाह है जी। किसी ने मुझसे कहा यहां अल्लाह मत बोलना। क्यों भाई? क्यों क्यों नहीं बोलना? अरे जब जबान दी है, याद रखना इस बात को कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बच्चा पैदा होने के बाद में जानता है मैं हिंदू क्या है या मुसलमान क्या, लेकिन जब वो पैदा होता है तो सबसे पहला लफ्ज मां बोलता है। क्या बोलता है? या बोलता मैं हिंदू या मुसलमान, क्या बोलता है? माँ। और जो अपनी माँ से प्यार करता है वो हर मजहब से प्यार करता है। और जो इस बात को मानता है दोनों हाथ ऊपर 1 2 3। नौजवान और सुन ले, हमारे सिंगर भी बैठे हैं छोटे भाई। अरे एक बात याद रखना, जो आदमी अच्छा काम करता है उंगलियां उसी पे उठती हैं। हाय हिस्ट्री उठा के देख लो, शुरू से अब तक उंगली उसी पे उठी है जो अच्छे काम करना चाहता है। बोल साईनाथ महाराज की। आज पूरी दुनिया साईं को मान रही है, ये भी तो जानो कि साईं ने कितनी तकलीफ उठाई है तभी तो लोग साईं को मान रहे हैं। हाय जितने भी लोग यहां बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसे साईं के चरणों की कसम है। अरे जिद पे आ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों के। तुमने तेवर नहीं देखे अभी साईं के दीवानों के। जो इस बात को मानता है दोनों हाथ पर 1 2 3। बहुत ज्यादा बहस होती है, आज भी हो रही है और होती रहेगी कयामत तक। हिंदू भाई कहता मैं बड़ा, मुसलमान कहता मैं बड़ा। एक दफा फिर तो बहस हो गई दोनों में। कहले सबसे महंगा भंडारा मैं करूंगा, सबसे महंगा भंडारा। मुसलमान कहलेगा सबसे महंगा लंगर मैं करूंगा। एक मोची बैठा हुआ था, वो उनके जूते को साफ कर रहा था। कहलेगा मैं मत बोल, तू बोल। मोची क्या बोला? मैं मत बोल, तू बोल। कहले चल तेरी औकात क्या है, तू तो मोची है। कहलेगा मुझे पता है मेरी औकात क्या है, इसलिए मैं नहीं तू तो बोल रहा हूं। मैं कर ही रहा, मैं तो तू कर रहा हूं। कह लगा मैं मोची जरूर हूं, मैं दुनिया की चप्पल सीता हूं, अपनी नहीं सीता। क्योंकि जिस दिन मैं अपनी चप्पल सीऊंगा मेरा पेट कैसे भरेगा? चप्पल मैं दूसरे की सीता हूं, पेट मेरा भरता है, तो बता इससे बड़ी इबादत क्या होगी? कहले मैं मत बोल, तू बोल। कहले हट पीछे, तेरी औकात क्या है, तू मोची है। खैर जी चले गए। दोबारा जैसे वो आए तो भंडारा बनकर तैयार हो गया। भंडारा लंगर दोनों ने तैयार कर लिया, 5-5 लाख रुपए का। कितने का? कितने का? 5-5 लाख का। अब बेचारा मोची जो 5 रुपए कमाता हो वो कहां से लाएगा 5 लाख रुपए? जब भंडारा बन गया, मोची फिर आया, कहने भंडारा बन गया, कहने हाँ, कहने जरा हमें भी दो। हलवाई को बुलाया, बावर्ची को, कहने का जरा चक्के बता, कहने स्वाद नहीं आया। कहने स्वाद नहीं आया क्यों? मोची ने कहा स्वाद कैसे आएगा, तू मैं कर रहा था, मैं तू कर रहा हूं। तू कहले ये बता तू और मैं फर्क क्या है? कहले अब जान ले मैं और तू का फर्क। कहेंगे जो मैं करता है उसका क्या होता है, जो तू करता है उसका क्या होता है?
कहले कभी खेतों में जाना, जो खेतों में पानी देता है ना चरखा, वो क्या बोलता है, तू 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 तू। जो खेतों में पानी देता है वो क्या बोलता है, तू तू तू। कहलेगा नाजान जो तू तू बोलता है वही जमीन की प्यास बुझाता है, और जो मैं करता है वही बकरा इतने प्यासा कट जाता है। तो मैं मत बोल, तू तू बोल, बहुत तेरी मैं हो गई। फिर बाज नहीं आया, कहलेगा मैं बहुत रईस हूं, बड़ा माल है मेरे पास। कहलेगा एक काम कर, 5 लाख का लंगर तेरा, 5 लाख का भंडारा तेरा, मैं गरीब हूं, एक काम कर 5 रुपए का नमक मंगा। क्या मंगा? नमक। खाना कितना महंगा बना लो, जब तक नमक मिलेगा नहीं स्वाद नहीं आएगा। कहले 5 रुपए का नमक मंगा लो, 2.5 रुपए का नमक उसमें मिला, 2.5 रुपए का नमक उसमें मिला, जैसे मिलाया खाने लगे, कहले स्वाद आ गया। कहले इबादत हो तो नमक जैसी जो नजर ना आए और मिल जाए। तेरा 5 लाख का लंगर एक तरफ, तेरे 5 लाख का भंडारा एक तरफ, और मेरे 5 लाख का नमक। और जो इस बात को मानता है तो रहा तुम्हारे दाली के साथ, रेडी 1 2 3। भूल पाया तेरी शिरडी का बमल सरी, नहायात भूल पाया तेरी शिरडी का बमल सरी, नहायात भूल पाया तेरी शिरडी का बमल सरी। भगवान नजर आया, अल्लाह भी नजर आया, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। भगवान नजर आया, किस किस को याद आ? अक्सर बड़े लोगों से पूछो कि आप इतने अमीर कैसे बने, तो अपने स्टाइल में बोलते हैं मैं जीरो से शुरू हुआ। अपने स्टाइल में बोलते हैं मैं जीरो से शुरू हुआ, एक स्लोगन है कि जीरो से शुरू हुआ। तो बाबा भगवान परमात्मा माता रानी गुरु नानक फरमा रहे हैं, अगर तू जीरो से शुरू होगा तो ये बता एक कहां लगाएगा, माइनस करेगा ये प्लस। बाबा कहते हैं नादान एक को सलामत रख, जीरो में अपने आप लगा दूंगा। और जो इस बात को मानता है दोनों हाथ पर 1 2 3। राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह। दोनों हाथों पर, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसे अपनी जवानी की कसम। हाँ, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी सोच बूढ़ी हो जाती है। दोनों हाथों पर 1 2 3। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम ग्यारह। दोनों हाथों पर करेंगे। हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करें। राम राम एक, 11 वचन है बाबा के। कितने? बाबा ने 11 वचन ही क्यों बनाए, 14 भी बना सकते थे, 12 भी बना सकते थे। बाबा ने 11 वचन इसलिए बनाए कि समझ जाओ 56 भोग लगते हैं। कितने? 56 को मिला के देख लेना, 5 और 6 11 अलग है नहीं है ना। इंसान की सोच अलग है, वो कभी अलग नहीं करता। जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर ताली के साथ, रेडी 1 2 3। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह। दोनों हाथों पर, ओ मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। बोल साईनाथ महाराज की, बोल सांचे दरबार की, जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा। अस्सलाम वालेकुम। अपना इरादा नहीं कि सबका मालिक, ऐसे नहीं हाथ पकड़ के ऐसे, अपना इरादा नहीं कि सबका मालिक।